बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। एक पाकिस्तानी को गिरफ़्तार किया गया है, और यानी कि किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है ये आपको वाजह कर देता हूँ। मैं इसी से रिलेटेड आपके साथ एक दो बातें शेयर कर दूँगा। अगर कोई भी बंदा गलती से भी नहीं पता है मुझे पता होता तो मैं ये काम ही ना करता, तो इस सूरत में भी आप गिरफ़्तार हो सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी बात आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ, इसी से आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। जजान से आगे सबिया यानी कि टॉप ऑफ द फीफा की तरफ थे, जहाँ पर अभी बारिशों का सिलसिला काफ़ी जारी है। मैंने वहाँ से लाइव बहुत सी वीडियो आपके साथ शेयर की, और वहाँ पर ज़्यादातर बिजली का जो कारबा का काम है ना, वो खंभों के ऊपर ही है अभी भी। तो बहरहाल जी, एक जगह पर उन लोगों ने मेन रोड क्रॉस किया और जो ऊपर वाली वायर वगैरह थी ना, वो उतार कर वहीं एक साइड पर फेंक दी। तो हम वहीं से गुजर रहे थे गाड़ी में, तो हमने सोचा कि इनको उठाते हैं, ये सिल्वर तो है, और कबाड़ियों को बेच देते हैं तो जो पैसे बनेंगे भाई बांटेंगे आपस में। तीन चार दोस्त बैठे हुए थे ऐसे गाड़ी में, हाँ भी उठा लो, चलो जल्दी करो। धूप थी, उठाया सब गाड़ी में रखा, पास ही कबाड़िया था उसके पास लेके गया। उसने बोला हम ये कारबा का सामान हम नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी देर गुजरी है जी कि वहाँ पर एक बंदा आ गया मुबैस वाला, और एक गाड़ी और आई वो सामान बेचने, वो गाड़ी वो उनके पीछे आया, वो सामान बेच रहे हैं। वो आया, उनको रोक लिया, क्या सामान है, किधर से लेके, उनसे पूछने लग गया। तो हमसे उसने पूछा है कि आप ये सामान किधर से लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि ये उधर पड़ा हुआ था और हम बिजली का ही काम कर रहे हैं, तो इसी सूरत में ये लेकर आए थे। वो बोलता है इसको ले जाओ, वहीं फेंक दो। तो जान छूट गई जी, हालांकि वो हमें भी वहाँ पर इसी जुर्म के सिलसिले में कि आप बेचने क्यों आए हो, आपको पता नहीं है तो पकड़ सकता था। तो ये जो पाकिस्तानी गिरफ़्तार हुआ है जी, यहाँ पर आपको इसकी मैं पिक्चर दिखा रखा हूँ, ये बरीदाल कसीम से गिरफ़्तार हुआ है। और बिजली की जो वायर होती हैं घरों के अंदर, या आप बोल रहे हैं कि कारबा वगैरह का जो काम वगैरह करते हैं, तो वहीं से उठा ली, खींच ली, निकाल ली, रख ली। तो इनके जो रेट होते हैं 17 रियाल से 25 रियाल पर केजी के हिसाब से ये सेल होती है सऊदीया में। तो बहरहाल जी, ये जुर्म है जी, इसकी सूरत में ये पकड़ा गया है। अभी कमोबेश मेरे हिसाब से जो 5 से 10 साल की सज़ा है और 10 से 20 हज़ार रियाल का फ़ाइन है। हाँ, शाही माफ़ी आ जाएगी, अभी 6 माह बाद आ जाए, 1 साल बाद आए, उस सूरत में इसको छोड़ दिया जाए, वो एक अलग से मामला होगा।